अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम लोग आज यहाँ अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब शिरनी फरोश के घर पे हैं। आप तमाम को तो इत्तला हो चुकी है कि कल उनका एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट में उनका इंतकाल हुआ है, और ये तमाम गुलबर्गे के लिए बहुत सदमा है, तमाम गुलबर्गा के आवाम के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम करके गए हैं गुलबर्गा में, तो हमेशा याद रखे जाएंगे वो काम तुमके। और जो उमरा के लिए गए थे और वहाँ पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें उनका इंतकाल हो गया है। और घर वालों से हम लोग सुबह में भी आई थी, मैं अभी भी आई थी यहाँ पर, तो हम सबको बड़ी सदमा है बड़ा ये चीज़ का कि अच्छे आदमी को हम खो दिए हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जन्नत के आला मुकाम अता फरमाए, और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया। मोहम्मद ज़ैनुद्दीन जी जो कि एक बुज़ुर्ग मक्का मदीना गए थे, वहाँ पर एक दुर्घटना में उनका जो देहांत हुआ है, बहुत बड़ा अफसोस हुआ हमको, बहुत बड़ा दुख हुआ। जन्म आकस्मिक है और मौत निश्चित है, लेकिन जन्म और मौत के बीच जो इंसान समाज के लिए अच्छा काम करता है वो पूरा समाज याद करता है। ऐसा ज़ैनुद्दीन जी उनके कार्यकाल में उन्होंने समाज के लिए, लोगों के लिए, अवाम के लिए जातातीत इस कलबुर्गी में बहुत बड़ा योगदान रहा उनका। जब कभी भी गरीब लोगों के लिए या कहीं भी किसी का इंतकाल होता था तो सबसे पहले होके उसकी तैयारी करते थे। जो सभी लोग आज उनको याद कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग, मैं, मेरे पूरे साथी, हमारे कांग्रेस पार्टी, आज जो ना जब हमको ये पता चला तो उनके बारे में हमारे पार्टी के ऑफिस में भी एक श्रद्धांजलि अर्पण हम करें, उनको याद करें, स्मरण करें। और मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे, और उनकी जो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे तो उनके परिवार वालों को, उनके दोस्तों को, तो उनका गम जो है वो रोकने के लिए ताकत दें सहन करने के लिए। तो ये कहते हुए हमारे तरफ से उनको ये हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। जैसा कि आज बड़ा वो अफसोस वाला दिन है, आली जनाब अलहाज मोहम्मद ज़ैनुद्दीन साहब शिरनी फरोश, वो हमारे उस्ताद थे, आज हमारे बीच वो नहीं रहे हैं, क्योंकि हम जो है तकरीबन 18 से 15 साल से इनके साथ में थे। जो हम मुकाम जो सिखाए थे हम मुकाम को अंजाम देते थे। जिस वक्त भी कोई ये चीज़ का अगर फ़ोन आता तो तुरंत हमारे लोगों को, सबको, हमारे जो ग्रुप के मेम्बर्स हैं, हमारे जो ज़िम्मेदार हैं, उनकी इत्तला दे के जो है यहाँ फलां जगह ये चीज़ है, ऐसा करना है, बोल के हमको इत्तला देते थे। हम एक दूसरे को मिलकर जो है जाके काम को अंजाम देते थे। इंशाल्लाह अब आने वाले दिनों में भी वैसे ही काम को अंजाम देने की हिम्मत अफजाओ कर रहे हैं। आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम हाजी साहब जो काम को अंजाम देने के लिए हमको सिखाए हैं, हम हमारी सांस चलते रहे तक हम वो काम को अंजाम देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि सबको मालूम हो चुका है, अलहाज ज़ैनुद्दीन साहब शिरनी फरोश हमारे बीच नहीं रहे हैं, लिहाजा उनके जो काम हैं मैयत को तस्वीन करने की, गुसल देने की, या लाहौर सी मैयतों के लिए, इंशाल्लाह उनकी टीम है, उनकी ट्रस्ट है सफ़रे आखिरत, इंशाल्लाह ये ट्रस्ट जो है उनके रहते बावजूद जो काम करता है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी वही काम होगा। आप लोगों की दुआओं के हम मोहताज हैं। हमारे उस्ताद के लिए, हमारे उस्ताद के लिए मगफ़िरत की दुआ कीजिए, और उनके जैसा काम शायद ही हम ना कर सकें, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि उनके जैसा काम करने की हम उम्मीद रखते हुए वो काम को अंजाम देंगे। और जो भी हमसे राब्ता करना है
मैयतों के ताल्लुक से, तो हम इनी टाइम कभी भी 24 आवर्स आपके लिए हैं और हम आपके साथ में हैं। और ज़ैनुद्दीन साहब की ख्वाहिश जो थी वो ख्वाहिश को हम बरकरार रखेंगे, उनके साथ में हैं, इंशाल्लाह हमेशा उनके साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। हमारी टीम के लिए आप लोगों की दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है।